अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दोस्त अवाम दोस्त और लाया हूँ आपके लिए एक बार फिर ज़बरदस्त वीडियोस, क्योंकि अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। राशन, राशन इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है, लेकिन इंसान को मिलता है सिर्फ राशन, राशन तो मिलता नहीं। मौजूदा हुकूमत ने दिया है अवाम को एक रिलीफ पैकेज, इस रिलीफ पैकेज से अवाम को कितना रिलीफ मिला है आइए जानते हैं आवाम से। क्या कहेंगे अंकल, ये यूटिलिटी स्टोर पे जो रिलीफ मिला है आवाम को, जो पैकेज दिया है? अभी कोई खास नहीं है, बस आटे में ही है और घी में, बाकी तो सब चीज़ें आटा तो है ही नहीं, उसमें चीनी चीनी है और दालें तो है ही नहीं, मिर्च मसाले है ही नहीं, तो हांडी बनेगी किससे? इतनी चीनी दे दी शुगर हो जाएगी। हाँ तो अस्पताल वालों को भला कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें तो कोई खास नहीं समझ आई कुछ। चीनी जो जितने भी अशिया हैं वो है या मैसर है? मसाले नहीं है, दालें नहीं है, सिर्फ चीनी चीनी है, अभी तो आटा भी नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है कुछ इतना खास। वो जो रेट्स हैं जो बोले हैं कि रेट्स वगैरह बाहर के बाजार से, जो बाजार से चीनी के काम है, अब चीनी की क्वालिटी का क्या पता चले, जब यूज़ होगी तो पता होगा, लेकिन बाकी कुछ है नहीं, तो क्या इतनी दूर से चीनी लेके जाएंगे खाली? दाल वगैरह तो इनके पास अभी नहीं है प्रॉपर सामान, कह रहे आ जाएंगे शाम तक आ जाएगा, आटा भी कह रहा था शाम तक आ जाएगा, ये एक आध बोरियाँ पड़ी थी तीन चार, उसमें से मैंने एक आटा ले लिए, 400 रुपये का दिया 10 किलो, कुछ रिलीफ तो है। खैर हाँ, इसी तरीके से मैं चना लिया उसमें भी रिलीफ है और दाल लिया है उसमें भी रिलीफ है। आवाम के लिए एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ हाँ, अच्छी चीज़ है, इस तरह और भी है सारी चीज़ें, उसमें भी रिलीफ होना चाहिए। जो लोगों की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो सारी मैसर हैं या अभी पूरी सारी? नहीं, अभी पूरी नहीं है ना, कुछ दाल वगैरह नहीं है, कुछ चीज़ें कम में, जैसे कि आटा भी अभी नहीं है इनके पास। अच्छा, अभी जो चंदी तेलियाँ पड़ी थी कह रहे शाम को आ जाएगा, तो अगर चीज़ें होंगी तो लोग आएंगे ना, अब मैं भी एक अरसे के बाद आ जाया हूँ, वरना बीच में पहले आता रहता था, फिर कभी आओ एक चीज़ है कभी नहीं है। क्वालिटी कैसी होती है, क्वालिटी वगैरह कैसी है? क्वालिटी बेहतर है, बेहतर है, मतलब जो बुरा नहीं है बेहतर। अभी कुछ दिनों पहले, अभी 2-4 दिन पहले ही वो ट्रक गायब हो गए, अभी जो माल उतरा नहीं है सही से, लोगों को पहुँचा नहीं है और ट्रक गायब होना शुरू हो गए, वो पता चला गया वो मार्केट में बिक गया माल, तो इस चीज़ को आप लोग देख रहे हैं, चेक इन बैलेंस रख रहे हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमें शिकायतें मिली थी चेक इन बैलेंस नहीं था, अब उसकी बाकायदा वेबसाइट जिसमें जैसे हमारा पोर्टल सिस्टम था, वज़ीर-ए-आज़म साहब को डायरेक्ट शिकायतें जाती थी सुबह भर से, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि पहले इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब एक्शन टाइड हुआ है तो अब चीफ सेक्रेटरी जो हमारे सूबों के हैं वो एक्शन बाकायदा ले रहे हैं और उससे आवाम को रिलीफ मिल रहा है। इसी तरह इन यूटिलिटी स्टोरों का भी चेक एंड बैलेंस के लिए वेबसाइट हमारी मे बी नेक्स्ट वीक तक लॉन्च हो जाए, तो उसके ऊपर भी जो चोरी और ये जो ये चीज़ें हो रही हैं इनको कंट्रोल करने में बड़ी आसानी होगी, सहूलत हो जाए। डेफिनेटली आवाम के लिए जो है इसी सब आवाम से हमने बात की, आवाम का कहना ये है कि चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें ना, दालें हो गई और आटा वगैरह, वो चीज़ें अभी सही से मैसर नहीं है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि वो चीज़ें जितनी भी हैं जो नहीं हैं यहाँ पे मौजूद, जिनकी कमी है, तो उनको किस तरह पूरा करेंगे, किस तरह वो चीज़ें आ रही हैं? देखें, गुज़िश्ता जो 4-5 हैं आपकी भी नॉलेज में होगा कि ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल थी, अल्लाह ने किया वो कल वो हड़तालें भी ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही थी। खान साहब ने जब पैकेज का ऐलान किया तो यकीनन यूटिलिटी स्टोर के जो भी हमारे CEO हैं उनके साथ बकायदा एक मीटिंग हुई होगी और उनकी तवज्जो से चीज़ें सब हमारे अवेलेबल हुई। 4 दिन जो लॉकडाउन था इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़रूर आई होंगी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आपको इंशाल्लाह हर चीज़ अवेलेबल होगी और बआसानी होगी और सहूलत के साथ उनको चीज़ें दी जाएंगी इंशाल्लाह। मैंने ये देखा है कि कोई मेगा किस्म के जो ब्रांड है ना उन पर कोई इन्होंने रिलीफ नहीं दिया है, ऐसी हल्के किस्म के जो ब्रांड है ना उन पर दिया हुआ है। मार्केट में चने की दाल 160 रुपये किलो बिक रही है और इनके यहाँ क्या है किलो 162 रुपये, ये इतना बड़ा रिलीफ है इमरान खान का। हाँ, कि बाज़ार में जो है ना 160 रुपये किलो है और इनके यहाँ 162 रुपये किलो है और मसूर है 2 रुपये जो है ना ऊपर है, और मसूर की दाल जो है ना ये लोग 135 रुपये किलो दे रहे हैं और बाज़ार में 130 रुपये किलो है, और मूंग की दाल अंकल पूछते जा रहे और बताते जा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह का इमरान खान का रिलीफ है, अल्लाह ताला उनको खुद नसीब करे। तकरीबन पूरे शहर के यूटिलिटी स्टोर्स में सर्वे किया जी, पहली बात तो है ही कराची में बहुत ही गिनती के हैं जी, इतने बड़ा 2 करोड़ का शहर है और उसमें है ही गिनती के जी, तो उसमें भी रश नहीं है, लोग नहीं आ रहे, आप भी आ रहे हैं तो आप भी मुस्तफ़ी नहीं, इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं ना कि मैंने आपको बताया कि यहाँ और बाज़ार में जो है ना बाज़ार में बल्कि सस्ता है और ये हाँ और इस तरह से यहाँ महंगा है और कोई अच्छे ब्रांड नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, और अगर कोई अच्छे ब्रांड है तो वो मार्केट से ज़्यादा महंगे हैं। इनको देना है पैकेज तो सही तरीके से दें, ठीक है,
और जो है ना लोगों को इससे मुस्तफीद हो सके, फ़ायदा हो, है ऐसे देने का कोई फ़ायदा नहीं कि एक दो रुपए ऊपर ही हो या बराबर हो, ठीक है, इस तरह से मेरा है। थैंक यू मेहरबानी अंकल ने मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया, बहुत बड़ा काम अंकल ने आसान कर दिया, क्योंकि वो तो बात नहीं करता, अंकल ने पूछ पूछ के मुझे पूरी तफसील बता दी। जी सर अस्सलाम वालेकुम। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने सब्सिडी दी, सब कुछ दिया है कहाँ सिवाय चने की दाल के अलावा, छोले और चने की दाल है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ना दालें हैं ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ शक्कर है, बस शक्कर है। कहाँ पड़ी है? हाँ आगे देख के तो आ रहे, कौन सी बताना भाई, आप भी देखो कहाँ है। ये तो बता रहे हैं कल चने की दाल, मूंग की दाल अभी आए हैं, ये तो बंद, ऐसी मार्केट चली जाएगी, ऐसी बंद है। जी सर अभी आइए भी लगा रहे सर, मैं तो सब सेल्समैन हुआ। सवाल ये है, सब कुछ दिया है, कर रहे हैं, सब्सिडी दी है, इतना दी, 6 अरब रुपया दिया है, कहाँ है उस चीज़ें, वो स्टोर पे आप मिले होती नहीं है। अभी ये आप और हमने बोला तो वो तो निकाल के लगा दिया, वरना ये ऐसी पैक माशाल्लाह पड़ी रहती है, दूसरा चक्कर लगाया मैंने, दूसरा तीसरा चक्कर है, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपको इन सब चीज़ें मिलती नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई नहीं है, ये सब्सिडी दे रहे हैं, फ़ायदा कोई नहीं है इसका, सब्सिडी का इसका, और कोई अल्टरनेट चीज़ ढूंढे आप स्टोरों पे दे के नहीं कर सकते, एक तो इतने स्टोर नहीं है जो कराची का कवर कर सके, कराची में कितने स्टोर हैं, गिनती क्या है, मैं खुद भी ढूंढ ढूंढ के पहुँचा हूँ पूरे शहर में, गूगल से ढूंढा है मैंने, आपको पता है। हाँ यही तो कह रहा हूँ ना, आप जाएँ परेशान होते ही मिलते नहीं है, जाएँ जी 11 बजे खुलेगा 12 बजे खुलेगा, खुलता है नहीं खुलता है ये भी नहीं पता। जी सर क्या कहेंगे यहाँ पे दालें चीनी आटा वगैरह जो मैसर है यहाँ पे? जी जी हर चीज़ है और होलसेल पे मिल रही है हमें, यानी हमारे इलाकों से ना काफ़ी बेहतर है जी। तो ये कि जो रिलीफ पैकेज निकाला है वज़ीर आज़म साहब ने, तो उससे फ़ायदा हो रहा है? उससे फ़ायदा हो रहा है, ये यूटिलिटी इधर फ़ायदा हो रहा है, उधर इलाकों में नहीं है। अच्छा जी, इलाकों में मतलब इलाके के यूटिलिटी स्टोर जो है, अभी ये आटा वहाँ पर हमारे 520 चल रहा है, इधर 400 रुपये। तो ये लोग यूटिलिटी स्टोर क्यों नहीं आते हैं? ये सन्नाटे पड़े में कोई आ ही नहीं रहा, जब इतना सस्ता हो रहा है, जब बकौला भी इतना सस्ता है तो क्यों नहीं आते लोग? सर टीवी पे ऐड तो देना चाहिए ना, कोई ऐड तो दे नहीं रहा। अच्छा, तो लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं तो जॉब करता हूँ DHA में, तो फिर यहाँ से ये रेट देख के मैं आ गया बाहर, रेट देखे तो आप लोग यहाँ पे आ गए। जी जी सही, तो ये है कि बात भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि किस मुनासिब दाम में यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, ताकि लोग आएँ और यहाँ से फ़ायदा उठाएँ और रिलीफ पैकेज को आगे से आगे बढ़ाएं। तो मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है, भाई ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है कि प्रमोशन होनी चाहिए, प्रमोशन होगी तो लोग आएंगे। आप लोग वीडियोस देखकर आएं, मिलते हैं आपसे वीडियोस के बाद, ठीक है भाई? मेहरबानी, जाओ दोनों मिलकर सामान लेकर आए। अच्छा हुआ क्या, आप बताइए जरा डिटेल में। मैं तो इनके पास ही, मुझे डॉक्टर ने एक घंटे के अंदर खून लगा दे, अगर खून नहीं लगा तो बच्चा मर जाएगा। इनके पास मैं आई हूँ, मैंने कहा चलो ये खून मुझे दे दे, तो मेरे के हमारे बंदे आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, कहते आप इस तरह 45 मिनट पा रहे, 3 घंटे होते हमें खून नहीं मिले, अभी खून मिला बच्चा मर गया। ये मुसलमान है, ये सरकारी अस्पताल है, जाऊंगी बच्चे मैं आपके खिलाफ जाऊंगी, दिलावर को जाऊंगी, क्या हमारा बच्चा खो देगा नाराज का, ये वही वक्त में ले रहे इसके पैसे, अल्लाह करे आपके बच्चों लाश में घुस गए, इंसान नहीं जंगली जानवर है। इतने बड़े शहर में यूटिलिटी स्टोर आपको लगती नहीं कम है? नहीं बाकी कम है, और जहाँ है वहाँ पे कुछ होता नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये कि मिलता नहीं है कुछ, भाई आप सामान लेने आ रहे हैं तो लाजमत एक चीज़ मिल रही है, 3 चीज़ें नहीं है, जो बंदा खाली है। महीने का सौदा लेने आएगा तो सब चीज़ चाहिए, सब चीज़ सही है ना उसको, तो वो मिलती नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, मैंने आना छोड़ दिया था, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं, सन्नाटे पड़े हैं, मैं पूरे शहर के यूटिलिटी स्टोर घूम के यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन मुझे लोग नहीं मिल रहे, लोग आ नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान में इतना सहूलियत दी हुआ है कि जेब में पैसा होगा तो हम भी आएंगे, जहर सी बात है किसी से मांग कर आएंगे तो स्टोर में आएंगे, जब जेब में पैसा नहीं होगा तो ये फ्री में तो नहीं देंगे ना भाई पैसा, ये सूरत हाल है भाई, किसी के पास पैसे ही नहीं है तो। बिल्कुल भाई नहीं है भाई, इमरान खान की बड़ी मेहरबानी, सलाम करते हैं दिल से कि बस रोड पे तो खड़ा कर दिया, इसके अलावा और क्या करेगा हमारे साथ, बहुत बुरे हालात हैं भाई, जिनके
किराए पे मकान है, जिनकी फैमिली है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ये काम चलाना। ये फ़ायदा कुछ भी नहीं है, यूटिलिटी स्टोर भरा है, नाम यूटिलिटी स्टोर है, असल में जो आवाम की नीड होती है आटा दाल चीनी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और जो मार्केट प्राइस है तकरीबन उसी प्राइस में मिल रही है। सेकंड ये कि इनकी क्वालिटी भी बिल्कुल बहुत हल्की क्वालिटी है, सही है ना, यूटिलिटी पे जो सामान ये लोग दे रहे हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, घरेलू इस्तेमाल के लायक बिल्कुल भी नहीं है सामान। आप देख लें ये चावल की क्वालिटी देख लें, ये चावल आपको यहाँ पर 80 रुपीज़ केजी के हिसाब से अगर मिल रहा है, सही है, तो बाहर मार्केट में 82 है, बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी क्वालिटी जो है वो ना होने के बराबर है। बाकी मैं ये अगर चावल देखें तो चावल जो है वो चावल नहीं है, ये चूरा है, चूरा है बिल्कुल। और ये चिड़ियों को लोग डालते हैं, ये इंसानों के खाने की चीज़ है यार, कोई परिंदों को थोड़ी खिलाना है, हमने घर में इस्तेमाल करने की चीज़ होती है, इंसानों ने खानी है, कोई परिंदों ने थोड़ी खानी है चीज़। अब आजकल जितनी महंगाई चल रही है और जिस तरह का मतलब हालात हुए हैं, लोग परेशान हैं, सही है, टाइम का सबसे ज़्यादा इशू है। अब कोई बंदा 200 किलोमीटर दूर से तो चल कर आकर नहीं लेगा ना, बिल्कुल सन्नाटा है सर, आपके सामने आप देख लें यूटिलिटी स्टोर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इधर कोई कस्टमर ही नहीं है। जाहिर है जब आप एक चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आप कोई अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे हो, तो आवाम कहाँ से आएगी आपके पास। यही बात है कि आप जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, वो यही है कि यूटिलिटी स्टोर्स में हम जहाँ जहाँ गए पूरे शहर में घूमें, पहली बात तो हमें बड़ी मुश्किल से यूटिलिटी स्टोर्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो हैं वो बंद हो गए और जो खुले हुए हैं वहाँ पर इस तरह के सन्नाटे हैं। तो अगर आपने रिलीफ दिया है इमरान खान साहब, तो कम से कम यहाँ पर चीज़ें भी पूरी मुहैया करें ताकि लोगों को आसानी हो और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। सर सेकंड ये कि आटे की जो इनकी क्वालिटी आ रही है, आटा बिल्कुल ऐसा है कि आप बाखुदा यकीन करें, बकरी के सामने आटा डाल दें, बकरी नहीं आटा खा रही है तो इंसान किस तरह से खाएंगे, और आटा अवेलेबल नहीं। सर वो आटा है भी नहीं, 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कह रहे हैं जी आटा नहीं है, अब कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है कि कब आएगा कब नहीं है, नहीं जी हमें नहीं पता, हमें जवाब ये दिया जाता है पता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कौन सा बेनिफिट दे दिया आवाम को, किस तरह का बेनिफिट दिया है कि जो चीज़ लेने आओ वो सहूलत है आवाम के लिए, जी ये सहूलत है, टीवी पे तो बड़े बड़े ऐलानात होते हैं, जब यहाँ लेने आओ तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, अगर कोई है जो चीज़ तो उसकी क्वालिटी नहीं है, रेट इतने हाई होंगे कि मार्केट में भी वो रेट से मिल जाती हैं, तो हमें क्या बेनिफिट मिला है इस गवर्नमेंट का आने के, इसके बाद हमें क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक चीज़ मिल ही नहीं रही, एक मिल ही नहीं रही, अब पहले चक्कर लगा कि चीनी नहीं है, अब चीनी मिली तो आटा नहीं है, कभी घी नहीं, कभी दालें नहीं है, कभी घी नहीं है, तो हमें उससे क्या शॉर्टेज सबसे ज़्यादा है, जब भी हम जो सर्वे किया है जो लोगों से बात, तो दालें भाई कोई चीज़ भी नहीं, आटा भी नहीं है, दालें भी नहीं है, अब जो चावल जो इन्होंने लेके ला के रख दिए भर के, वो पता नहीं कौन सी क्वालिटी है, वो भी अभी बिल्कुल ही ऐसा ही है, बिल्कुल बारीक बारीक चावल, खाने के मेरे ख्याल में मज़ा नहीं दे रहा, तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर रिलीफ के नाम पर ये करना था तो करना ही नहीं चाहिए था, जो आवाम मर रही है तो मरने, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है अपनी इतना वो करने का। अभी हमारे शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स का सर्वे जारी है, आ जाएं एक और यूटिलिटी स्टोर में चलते हैं और वहाँ जानते हैं अहवाल सारा कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आ जाए मेरे साथ। वही का वही हाल, कोई नहीं है यूटिलिटी स्टोर में ख़रीदार, क्योंकि यहाँ पे वही अशिया जो बाहर मिल रही हैं वहाँ कीमत कुछ ज़्यादा है, तो लोगों को रिलीफ किस बात का रिलीफ मिला है, क्योंकि जो दालें मिल रही हैं 130 वो यहाँ पे मिल रही हैं 135, बाकी जितनी भी यहाँ पे अशिया रखी हुई हैं जो ब्रांड हैं वो तकरीबन मेरे हिसाब से वही पैसे हैं जो बाहर हैं, तो लोगों को रिलीफ नहीं मिला तो लोग आएंगे नहीं, जब लोग नहीं आएंगे तो ये पैकेज ऐसे ज़ाया हो जाएगा। तो आए एक आदमी आए, अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसा आवाम को फ़ायदा हो रहा है इस रिलीफ पैकेज से? अल्लाह करे, हम तो कह रहे हैं सबसे पहले हमारे पाकिस्तान का फ़ायदा हो और उसके बाद आवाम को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि आवाम जो है बहुत ज़्यादा तंगदस्त है महंगाई की वजह से, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है यहाँ से। हाँ कुछ फ़ायदा है कि आटा वगैरह तो यहाँ पे है नहीं, ना दालें ना आटा है, अब जो चीज़ें नहीं है वो भी आ जाती हैं इनके पास, ये बात नहीं है कि हमेशा ना हो, वो आ जाती हैं इनके पास, तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं वो उसमें, हाँ कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन है दुकानों से। फ़ायदा तो जब होगा ना जब सामान हो, इधर सामान ही नहीं, आटा है बाहर, आटा 720 रुपये का मिल रहा है 10 किलो का, अभी लिया है मैंने जाके, यहाँ 400 का पर्ची लगा दी, आटा नहीं है। सन्नाटे छाए में यही वजह है कि लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, लोगों का पैसा ही नहीं है, लोगों का पैसा ही नहीं है ना भाई, कहाँ से लें, ना आमदनी ना तनख्वाह बढ़ रही है ना कुछ, तो उसकी वजह ये भी तो नहीं है कि मुनासिब चीज़ें नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, महंगे प्राइस ज़्यादा नहीं, लोगों को तो एक जहन में ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर सरकारी जो कचरा होता है ना वो आता है, इसलिए लोग यूटिलिटी स्टोर पर नहीं आते, कि वो चेस्ट पर चले आएँगे या वहाँ चले आएँगे। यूटिलिटी पर यही है कि जी माल अब चीनी है, चीनी बारीक, अब बाहर आप चीनी ले रहे हैं मोटे दाने की, अभी 5 रुपये कम में दे रहे हैं, बोले 2 चमचे डालेंगे, बाहर वाली 1 चमचा डालेगा। सर रिलीफ मिला है ये जो? नहीं सर, देखें ना आटा है यहाँ पर, ना दालें हैं, हम तो यह मकसद हर दफ़ा मैं आता हूँ तो कोई ना कोई चीज़ होती ही नहीं है, बिल्कुल जैसे एक
लिटी लिटी स्टोर के हिसाब से मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कभी कोई चीज़ काम कभी कोई चीज़, मकसद प्रॉपर कोई भी चीज़ नहीं मिलती यहाँ पर। मतलब ना दालें हैं ना आटा है। जी ना आटा है ना दालें, और मजीद तेल भी इतना कोई ख़ास नहीं है जो क्वालिटी जैसे तेल की होती है। बिल्कुल मैंने आना छोड़ दिया आप यकीन करें इस वजह से, क्योंकि पहले आता था तो मिल जाता था सामान, लेकिन अब मुझे कोई चीज़ मिलती नहीं है टाइम पर। देख लें आपके सामने जो कुछ पैकेज है, जैसा भी जो भी कुछ है, आवाम का आपने इंटरव्यू लिया, क्या मिला है आपको? मैं अभी यही लोगों से बात कर रहा था, लोग ये बोल रहे ना आटा है ना चीनी है ना दालें हैं, ये चना एक ये जो है ना ये चना रखा हुआ है, हर जगह जा रहे हैं ये चना मिल रहा है, नहीं मिल मतलब घोड़े हो गए हम यही खाते रहेंगे, यही खाते रहो। तो क्या कहेंगे सर? बस यही है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि सोचे कुछ गरीबों का, कि भाई ठीक है लोगों को मिलना चाहिए, रिलीफ पैकेज दें यहाँ पर, ताकि आवाम को कुछ फ़ायदा पहुँचे और आवाम फिर इमरान खान का ख्याल करे। अब जब इमरान खान साहब आवाम का ही नहीं ख्याल करेंगे तो यहाँ क्या चीज़ हो, कौन पूछेगा इमरान खान को? 5 साल है ना इमरान खान के पास, ये 1.5-2 साल में क्या दिया इमरान खान ने सिवाय महंगाई की? कुछ भी नहीं दिया। देखिए यहाँ पे अब मैं तकरीबन पूरे शहर में घूम के आया हूँ, मुझे यूटिलिटी स्टोर में कहीं भी रश नहीं मिला, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। कुछ तो कुछ मिलेगा ना जब यहाँ रिलीफ हो, अब मुशरफ के दौर में रिलीफ था, कितनी लंबी लंबी लाइनें थी, कितनी लंबी लंबी लाइनें होती थी। कहते थे कि बोलते हैं बहुत रश होता है, बहुत रश होता है, इतनी रिलीफ मुशरफ साहब ने दिया हुआ था कि आप यकीन मानोगे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। सुबह लोग आते थे 8 बजे और 12-12 बजे सामान लेके जाते थे। अब क्या मिल रहा है आवाम को? सिर्फ नाम है सर, ये सिर्फ नाम है, नाम तो रिलीफ है, नाम का रिलीफ है, कुछ नहीं है। इमरान खान को अभी भी सोचना चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें, आवाम का फ़ायदा पहुँचाएँ, छोड़ें अपने आदमियों को। जब इमरान खान के साथ आवाम होगी ना और आवाम का समंदर होगा, ये सारे हुक्मरान खुद ही सीधे हो जाएंगे। जी ये लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे इसकी पार्किंग है ये फुटपाथ के ऊपर, लेकिन ये जो पुलिस माफिया है ये देखें आप, नो पार्किंग की बाइकें उठा रही है फुटपाथ के ऊपर से। ये देखिए आप, ये बंदा इनका उठा रहा है बाइक, लोग अपने मरीजों को लेके आते हैं यहाँ पे और ये उनको इस तरह से परेशान कर रहे हैं, ये देखें आप। अंदर अंदर तरीके से खड़ी हुई है, और जो अंदर तरीके से खड़ी हुई है गाड़ियां वो उठा रहे हैं, ये देखें आप, ये बंदा जा रहा है, ये वहां से बाइक उठाएगा, अंदर से गाड़ियां उठा के जा रहे हैं ताकि जो आवाम आई है हॉस्पिटल में ये उनको परेशान करने के लिए ये काम कर रहे हैं अपने पैसे कमाने के लिए। ये देखें ये गाड़ी आगे जा रही है और आगे से फिर उठाएगी, ये देखें आप, ये दोबारा बाइक रखी है उन्होंने अंदर, ये कहाँ लेके जाएंगे, ये ढूंढते रह जाएंगे कि हमारी बाइक गई कहाँ है। जो यूटिलिटी स्टोर में चीज़ें सस्ती की हैं तो क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत शुक्रिया उसका। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ऐसा हुआ होगा? पता नहीं जी, सस्ती चीज़ें रखी है यूटिलिटी स्टोर में। हाँ, कुछ फ़ायदा हो, कुछ कोई फ़ायदा नहीं है अभी, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, महंगाई बहुत है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रिलीफ नहीं मिला। सर आवाम को 6 अरब रुपये का रिलीफ दिया है इमरान खान साहब ने, तो उसका कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा नहीं है तो नुकसान ही होगा, कौन सा फ़ायदा हुआ है? अच्छा, किधर फ़ायदा हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर वगैरह में जो सामान जाके देख लें क्या है, क्या वहाँ बंद पड़ेगा, किधर मिल रहा सामान? यार अब बात ये होती है कि वहाँ पे उस क्वालिटी की चीज़ हो तब तो फ़ायदा है, और यकीनन फ़ायदा तो होगा क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है और वो बर्दाश्त कर रही है इस चीज़ को। लेकिन ये कि ये अब जैसे अब चीनी है वो इतनी लो क्वालिटी की ना हो, कि वो इतनी बारीक होती है पाउडर नुमा वो ना हो, और यहाँ पर चीनी जो मिलती है अब ज़ाहिर बात है हर आदमी यही वाली चाहता है लेना, मियारी चीनी हो, मियारी सामान हो, आटा है, अब वो पता नहीं किस मियार का है। आम आदमी अगर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के भी आदमियों को कहा जाए कि आप यूटिलिटी से ले लें आटा, शायद वो ना लेंगे क्योंकि वो इस मियार का है, लेकिन गरीब आदमी क्या करे भाई, वो तो धूल मिट्टी सभी खा लेता है। मेरा ख्याल मियारी चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ तक के, घटिया किस्म की चीज़ें यूटिलिटी स्टोर में आई हैं। चने हैं वो देखिए घुन लगे हुए, बेसन है वो पुराना, दालें वगैरह, चीनी है वो बिल्कुल ऐसा बारीक है, ये पाउडर की बिल्कुल वो उस क्वालिटी की नहीं है। आप उसको अगर वो चाय में डालेंगे भी ना तो उसकी मिठास वो नहीं है, आप अगर चेक करेंगे उसकी तो वो मिठास नहीं है। लेकिन अब जैसे ये बात बोल रहे हैं कि बेसन है, आटा है और क्या नाम है, दालें हैं और चने, वो वाकई में उनके अंदर कीड़ा लगा हुआ होता है, बिल्कुल लड़की नहीं है वो, तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। देखिए दांत खाने के और दिखाने के, और आम आदमी को तो मैं ही समझता हूँ कि अव्वल से सिर्फ ऐलान तक महदूद है, लेकिन
मुझे तो आम नज़र कहीं नहीं आ रही है दुकानों पे। वहाँ तो सामान ही नहीं है भाई, कहने को तो बहुत कुछ कहा है इन लोगों ने, लेकिन वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं सामान ही नहीं है, आगे से हमें महंगा मिल रहा है। अच्छा। तो बस यही है कि इंतज़ार कर रहे हैं, देखे तब्दीली कहा था कि तब्दीली आएगी, तब्दीली सिर्फ ये आई है कि महंगाई हो गई है और कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ महंगाई हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। डालें वाले कुछ भी नहीं है जो है, वो कह रहे हैं अभी ऑर्डर हुआ है अभी आ ही नहीं है। हाँ, जब भी तो यहाँ वाटर पंप पे चीज़ें लेने आए हम। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जो सामान मिलता है वो उसमें कुछ सस्ता होता है? कुछ सस्ता होता है, लेकिन अभी तो वहाँ कुछ है ही नहीं, नहीं, नहीं। वो कह रहे हैं ऑर्डर हो गया है लेकिन हमारे पास भी आया नहीं है। अच्छा। आगे से तो ये है कि अब देखें क्या होता है आगे, अल्लाह मालिक की बात। स्टोर जो है ना, मैं बोलता हूँ उसमें नाकिस मटेरियल होता है ज़्यादातर, उसमें मज़ा नहीं है। कम से कम दुकान से देख के सही तो ले सकते हैं, वो पैकिंग में होता है, पैकिंग में आप क्या खोल के देखोगे? कल घर से लेके आते तो क्लेम करके वो मानते नहीं हमारा नहीं है, अगर है तो याद है। अब वहाँ खोल के देखेंगे तो पता चलेगा ना, अब शॉप से लेते हैं वो खुला हुआ सामान होता है, वो आराम से देख के आदमी ले भी लेता है, अगर 5-10 रुपये ऊपर ले रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए यूटिलिटी स्टोर में और यहाँ में कोई फ़र्क नहीं है, यह होलसेल की दुकानें हैं वाटर पम्प पर, और अच्छी मटेरियल मिल जाता है, चाहे वो दाल चावल हो या मिर्च मसाले हो, मुनासिब पैसों में मिल जाते हैं। सामान होगा तो ले जाएंगे ना भैया, ये तो इमरान खान साहब ने जो है ना आवाम को पीस दिया इस आदमी ने, बस अल्लाह में इसको नेक हिदायत दे दे। ये बोल ना मैं ये कर दूंगा ये कर, ये कुछ नहीं करेगा भाई, ये आवाम का खून चूस रहा है, इसने पहले ही बोल दिया बयान देके आवाम को कब्रिस्तान पहुँचाऊंगा मैं, और आवाम जो है ना कब्रिस्तान में जा रही है। आप देख ले इतनी महंगाई कर दी है इस आदमी ने, बस अल्लाह में जो है ना इसको लम्बे नेक हिदायत दे। यूटिलिटी स्टोर से कोई फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं है, सामान ही नहीं है, क्या सामान है? आप बोल तो दिए इतने स्टोर बने, एक सामान बता दे जाके किसी यूटिलिटी स्टोर पर सामान है, किसी पे नहीं है, ना तेल है ना चावल है ना इस पर घी है ना आटा है, फिर क्या क्या खाली देख कर आई है दुकानें? तो बकवास है, झूठ है। पहले बात तो इतनी बड़ी आवाम है, इसको सबके साथ यूटिलिटीज में कहाँ जाएंगे वो, और जब अगर कोई बंदा जाए भी हो तो पहले फुर्सत में बोल देता है यार ख़त्म है, ठीक है ना। और ये सब्सिडी इस तरह की होती है कि आप एक स्टोर बना दो यहाँ पर, अपना लाखों बंदों का बोलो वहाँ पर भेजो। यूटिलिटी स्टोर देखा था भाई मैं तो कोई 10-15 साल पहले देखा था, अभी तो कहीं नज़र ही नहीं आता। ये नहीं आते ना? नहीं, ये सब फजूल बातें हैं, सिर्फ बस बयानबाजी और पेपर वर्क है और कुछ भी नहीं है, हकीकत में कुछ भी नहीं है, हकीकत में तो झूठ है भाई। कैसे हैं भाई? सौदा लेने आए मैं जी, काइंड ऑफ। तो यूटिलिटी स्टोर क्यों नहीं जाते यार? ये थोड़ा ये करीब है यूनिटी स्टोर के लिए, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। अच्छा, यूनिटी स्टोर कहाँ देखा है तुमने कभी? अभी कहीं नज़र आया कुछ अर्से में, पिछले कुछ दिनों में? ऐसा तो है कहाँ पे है ऐसा है, मतलब इसके अलावा तो कुछ नॉलेज नहीं है। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर का नहीं पता है? जैसे कि यहाँ पर गली में एक है और इलाके में भी है, लेकिन ये है कि यहाँ थोड़ा होल सेल है, सब कुछ ईजीली मिल जाता है वहाँ पर, और लाइक आपको खुद नहीं सब कुछ सर्च करना पड़ता है, ईजीली आपको दे देते हैं। तो ये सर आवाम को गवर्नमेंट ने एक बड़ा रिलीफ दिया, बड़ा पैकेज निकाल के दिया है 6 अरब रुपए का, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स में आसानी पैदा की गई है, सस्ता सामान रखा गया, तो आपको लगता है उसमें कोई फ़ायदा है? इत्तेफाक ऐसा है कि यूटिलिटी स्टोर जाना हुआ नहीं अब तक है, तो आई हैव नो आइडिया फॉर दिस। तो यूटिलिटी स्टोर्स कब से नहीं देखे आपने खुले हुए, या कभी जाना ही नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता? मतलब बचपन के वक्त में अगर आप देखो तो उस वक्त हमने अक्सर अवेल किया है, बिल्कुल, उसके बाद तो जो हालत कंडीशन उसकी हुई थी तो उसके बाद कभी भी उसके बाद रुख नहीं किया, अब कभी जाएंगे अगर तो देखेंगे। जी नहीं, मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जो है ना हुकूमत की एक चाल है, वो ये सिर्फ ये चाहता है कि आवाम को जो है ना बेवकूफ़ बनाया जाए। यूटिलिटी स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती हैं, चीनी नहीं होती है, चीनी है तो फिर आटा नहीं है, सामान होता ही है। अभी हमें दालों के भी बताया कि दालें भी नहीं है, दालें भी नहीं है ना, दालें होती हैं तो चावल नहीं होते, चावल है तो दालें नहीं होती, सामान नहीं है, सामान डाल दस से आपने हवाले। असल में बचत वो जो यूटिलिटी स्टोर जो है वहाँ से तो ख़रीदारी आम लोगों की होती नहीं है, आम ख़रीदारी तो ये बाज़ारों और ये मार्केट छोटी छोटी शॉप्स में होती है, और यूटिलिटी स्टोर में उनका अपना मार्जिन, अपना सिस्टम और अपनी परसेंटेज होती है, उसमें आवाम को कहाँ रिलीफ मिलेगा, जैसे उन्हीं का और गवर्नमेंट का बनाया हुआ गेम है, बाकी तो क्या। तो आपको जाना हुआ भी यूटिलिटी स्टोर वगैरह कहीं जाना हुआ? यूटिलिटी स्टोर तो जाना ही नहीं होता ना, मिडिल क्लास तबका जाता ही नहीं है, वो आम मार्केटों में जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स में अगर पहले हम आज से पहले जाते थे 5 साल पहले, तो वो जो है ना अगर चीनी लेने जा रहे हैं तो वो चीनी ही मिलती थी, इसके अलावा आटा या नमक नहीं मिलता था। ने रिलीफ दिया आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह में, सामान सस्ता किया, चीज़ें सस्ती हैं, तो आपको लगता है उसमें कोई फ़ायदा होगा या आपने शॉपिंग वगैरह की? जी बिल्कुल की, और होता है फ़ायदा, डेफिनेटली होता है, बिल्कुल। इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ?
گروسری میں تقریباً اور چیزوں میں تو مشکل ہے لیکن گروسری میں میرا اپنا آئیڈیا ہے فائدہ ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے وہاں پہ چیزیں ساری میسر ہیں آٹا چینی دالیں نہیں یہ نہیں جی اکثر چینی کی بہت سی چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ کے کام ہے نا تو ہونا ہی ہونا ہے ابھی تک تو کسی چیز میں فائدہ نہیں ہو رہا نہیں ہوا کوئی ریلیف نہیں ملا وہاں کچھ بھی نہیں سب نقصان میں ہی جا رہا ہے وغیرہ جاتے ہیں آپ لوگ سامان خریدتے ہیں جی بالکل خریدتے ہیں کیا سا معیاری سامان ہوتا ہے سستا ہوتا ہے ہوتا ہے وہاں سے نہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا نہیں کیونکہ ہر چیز کی قیمتیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے چیزیں معیاری ہوتی ہیں یا نہیں بس صحیح ہوتی ہے جی دالیں گل جاتی ہیں نہیں گل جاتی دالیں تو بالکل نہیں گلتی چاہے آپ جتنی جیسی بھی خرید لیں کوئی سی بھی خرید لیں وہ گلتی ہی نہیں ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے عوام کی دال تو گل نہیں کر لی لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ ویڈیوز دیکھ کر آئیں اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ویڈیوز کے بعد یہ رحمان بابا ٹرین ہے جی ہم لوگ اکانومی میں جا رہے تھے یہ ٹیوب لائٹ لٹک رہی ہے اس کی تین چار دفعہ کمپلین کر چکے ہیں اور کوئی نہیں آ رہا ہے ڈی سی کو بھی کمپلین کی ہے پولیس والے کو بھی کمپلین کی ہے سب آسرے دے رہے ہیں یہ خود کرنا پڑ رہا ہے ہمارے لڑکے کو یہ نئی ٹرین چلی ہے شیخ رشید صاحب کے مطابق اور واش روم کی حالت تو پوچھے ہی نہیں اس کی ہاں پوچھے ہی نہیں بالکل مطلب بیکار ٹرین بھی خالی ہے یہ جگہیں دیکھ لیں بالکل خالی ہے نہ بالکل ورسٹ ٹرین ہے یہ نئی ٹرین کے نام پہ دھوکا ہے پبلک کے ساتھ اوپر کی برتھ پیچھے سے کوئی بھی سامان چوری کر سکتا ہے بالکل تو یہ ہمیں خود کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ ایک رسک ہے ہمارے لیے اور اس پہ کرنٹ آ رہا ہے بار بار جل بوجھ ہو رہی ہے پہن رکھ لینا ادھر ٹھیک ہے نا جی کوئی بجلی والا آنے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ ڈبہ بند پڑا ہے بجلی والے سوتے رہے اور ہم یہاں اذیت میں پڑی رہے پبلک نہیں گورنمنٹ نے عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز میں جو کچھ بھی عمران صاحب جو بولتے ہیں اس کا الٹ ہوتا ہے صرف یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی آ گئی تبدیلی کیا آئی ہے مہنگائی بس یہ تبدیلی اور کوئی تبدیلی نہیں ہے عمران صاحب بیچارے کہہ رہے ہیں عوام تو کچھ نہیں سن رہی آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اب یہ کم دے گا اور جو لینا ہوگا آپ کے سامنے مل جائے گا آپ کے جانے کے بعد یہ اتنے میں دے گا جتنے میں چیز ہوتی ہے بس یہ مسئلہ ہے سر گورنمنٹ نے ریلیف پیکیج دیا ہے عوام کو 6 ارب روپے کا یوٹیلیٹی اسٹور میں کہاں ہے وہ کہاں ہے یہی تو اسٹور ہے کہاں نظر کہاں آ رہا ہے اور جو جہاں پہ جن اسٹور پہ ہم گئے وہاں پہ سناٹا پڑا سناٹا مال ہی نہیں ہے وہاں آپ اسٹور پہ دیکھیں نا جو یوٹیلیٹی اسٹور ہیں وہاں جا کے جو ہے انٹرویو کریں جو سامان لے کے نکل لیں ہم تو وہاں سے لیتے ہی نہیں کوئی چیز جو ہے ہم تو یہاں سے چیز لیں گے اچھی چیز کیوں نہیں لیتے چیز جو ہے وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا یہ چیز جو ہے نا یہاں سے دیکھ کے لیتے ہیں تب بھی جو ہے چھانٹ کے لے رہے ہوتے ہیں وہاں سے تو کوئی چھٹائی وٹائی کا تو معاملہ ہوتا نہیں ہے دالیں لے آؤ تو غلطی نہیں ہے اور کیا وہاں سے تو یوٹیلیٹی اسٹور شروع میں چلے تھے نا اس 15-20 سال ہو گئے اب اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے پسند نہیں کرتے سر گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے 6 ارب روپے کا تو کوئی فائدہ ہوگا عوام کو یا ایسی یہی عوام کو کبھی فائدہ نہیں ہوتا میرے بھائی عوام کو کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیے آپ آج تک کیا فائدہ ہوا ہے غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے یہ سب لینا کتنا مشکل کام نظر آ رہا ہے کیا کرے گا آدمی تو سلم مالک ہے تو دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا یوٹیلیٹی اسٹورز میں نیا پیکیج لگایا ہے وہاں پہ ریلیف ہے وہاں پہ سستا ہے بھائی ہر گورنمنٹ کچھ نہ کچھ پیکیج دیتی رہتی ہے لیکن مجھے آپ یہ بتا دو آج تک کسی بھی غریب کا کیا بھلا ہوا ہے یا تو غریب جو ہے وہ اوپر آیا ہو لیول سے اٹھ کے وہ تو مزید دھس رہا ہے بےچارا یوٹیلیٹی اسٹور سے فائدہ ہوتا ہے تو چیزیں مناسب ہوتی ہیں وہاں پہ بھائی ہوتا ہے سامان وغیرہ نارملی اگر 2-5 روپے کی بچت ہے تو بھائی یہ کیا بچت ہے سمجھا نہیں اور وہ جو بڑے بلک میں لے رہے ہیں ان کو فائدہ ہے دکانداروں کو فائدہ ہے غریب کو تو کیا فائدہ ہے وہ 2-4 روپے بچا کے غریب کیا کرے گا وہ اور چیزیں معیاری ہوتی ہیں نہیں ہوتی چیزیں بھی بس اللہ توکل ہی چل رہا ہے بھائی سارا حساب کتاب اور کیا لیکن مسئلہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور سینکڑوں میں مطلب اتنے سارے بازاروں میں ایک ایک اکا دکا کھلا ہوا ہے تو اتنی ساری عوام ہے وہ کیسے لے گی
और फिर उनकी भी एक टाइमिंग फिक्स है, इतने बजे से इतने बजे, सरकारी जैसा ड्यूटी है वो ड्यूटी, और ड्यूटी टाइमिंग पे तो हाँ आठ टाइम है नमक के, और लोग ड्यूटी पे होते हैं वहाँ से आते हैं। जैसे मैं ड्यूटी से 6 बजे आया हूँ और उसके बाद फिर अब निकले, उस वक्त तो वही बंद हो चुका होता है, तो हम उसमें खरीदारी कैसे करेंगे? अब बहुत सारे बंद हो गए, आवाम के लिए कारामद नहीं, फ़ायदा नहीं। आवाम बोलती है 2 रुपये यहीं से बच रहे हो, लेकिन वो बचाने के चक्कर में देखते ख़राब आ रहा होता है फिर वो भी छोड़ देते हैं। अब वो चीज़ यूटिलिटी स्टोर जाएंगे रक्शे में, टैक्सी में या बाइक पर किसी भी जाएंगे तो वो अलग खर्चा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही निकल जाएगी जो बचत होगी, वो रक्शे टैक्सी में निकल जाएगी, निकल जाएगी जी, तो वो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो मतलब इन मार्केटों से, इन शॉपों से चीज़ें खरीद लें, उससे बेहतर है हम रक्शा टैक्सी कर कर जाएँ। फिर टाइमिंग का भी मसला है कि टाइमिंग कुछ है कुछ नहीं है, उस हिसाब से जो है वो मिलती है, वो कब बाज़ उकात होता है, शॉर्ट हो जाती हैं चीज़ें, नहीं होती हैं, फिर उसका इंतज़ार करें या फिर कहीं और से लेना होता है, ये है। तो रक्शे टैक्सी की भी ख्वारी होती है, आपको पता है CNG आजकल ज़्यादातर बंद ही रहता है। अफेक्टिवली तो इतना नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक जगह से अगर कमी नज़र आएगी तो दूसरी चीज़ें महंगी भी होती जा रही हैं, तो इन दी एंड नेट अफेक्ट जो होगा वो इतना आएगा नहीं वहाँ पे। अकाउंट्स में होते हैं आप? फाइनेंस में? अकाउंट्स में, फाइनेंस में होते हैं। आपने नेट बोला ना जिस तरीके से, समझ गया आप कहीं फाइनेंस के आदमी हैं जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये बताएं कि जाना हुआ आपका यूटिलिटी स्टोर वगैरह? जी कुछ चीज़ें शॉर्ट नज़र आईं, ठीक है, कुछ चीज़ें मिल भी रही हैं, लेकिन आवाम का इतना रुझान नहीं है, ठीक है ना, आप क्योंकि कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है, तो फिर बेहतर यही होता है जहाँ मिल रही होती है हम वहीं जाके ले लेते हैं उसको। क्यों नहीं जाती है वहाँ ये यूटिलिटी स्टोर जबकि वहाँ पे सस्ता है, आसान है, बकौल हुकूमत के वहाँ पे रिलीफ पैकेज है, तो क्यों नहीं? चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं होती ना ईजीली, इसलिए। अच्छा। तो जब कंज्यूमर को नीड होती है तो ऑब्वियसली वो जहाँ ईजीली अवेलेबल होगा वहीं जाएगी। कंपैरेटिवली आजकल वैसे भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स का ज़्यादा हो गया है, लोग वहाँ से शॉपिंग करना ज़्यादा इजी समझते हैं जहाँ चीज़ें इजीली अवेलेबल हों। मेरी चीज़ें होती हैं यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह में? नहीं, एवरेज होती हैं, नॉट गुड। व्हाट इज़ रॉन्ग? सर गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज दिया है 6 अरब रुपए का। हाँ 6 अरब रुपए का यूटिलिटी स्टोर्स में, उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक पूरा पैकेज लगाया है, सस्ता किया, तो उससे कोई फ़ायदा होगा? आवाम को रिलीफ मिलेगा, सुकून मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों अंकल ऐसा क्यों बोल दिया आपने? अरे भाई सब नफसा नफी का दौर चल रहा है, सब अपने खेतानी में लग रहे हैं, पब्लिक को इतना टाइम नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर पर लाइन लगाए, सही राइट? मैं अपने ऑफिस से निकलता दौर लिया फटाफट निकले, ठंड है, हर चीज़ है, ये चीज़ देखनी चाहिए बस। तो वहाँ पे क्वालिटी होती है, रेट सही होते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं? क्वालिटी तो नहीं अच्छी होती जी, अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं सामान लेते हैं तो ये बेहतर है, मतलब ये दालें वगैरह हम लोग लेते हैं वो सही है, मगर जी मुतमईन होते हैं, मगर यूटिलिटी स्टोर पे सस्ता तो है लेकिन क्वालिटी नहीं होती वहाँ पर ना, उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं है जी। बाकी सारी अशिया मिल जाती हैं जो आप लोग? नहीं सारी अशिया भी नहीं मिलती, बस ये कि दालें मिल जाती हैं, चावल मिल जाते हैं और शक्कर वगैरह मिल जाती है, ये चीज़ें मिल जाती हैं, और है ना ऑयल भी शॉर्ट होता है उनके पास, मतलब हम लोग सेटिस्फाई नहीं है यूटिलिटी स्टोर से ना। रिलीफ तो दिया है, अब देखें अगर आगे चल के कुछ बेहतर ये लोग कर लेते हैं तो बेहतर है, लेकिन अभी तक तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं है भाई। यूटिलिटी स्टोरों में पब्लिक को माल कहाँ मिलता है? माल तो सारा बाहर निकल जाता है, कहाँ मिलता है माल? महंगाई बढ़ती जा रही है समझे, सोच से भी ज़्यादा। वालेकुम अस्सलाम। तो आपको लगता है यूटिलिटी स्टोर में कुछ चीज़ें अच्छी मिलती हैं, म्यारी मिलती हैं, वहाँ पे से फ़ायदा है लोगों का, आवाम को? गरीबों के पास इकट्ठा पैसा होगा तो यूटिलिटी से लाएंगे, और जिनके पास नहीं है रोज़ के कमाने वाले तो रोज़ का ही ख़रीदेंगे दुकानों से, रोज़ रोज़ तो यूटिलिटी नहीं जाएंगे ना सौदा लेने के लिए। वो दूर दूर भी हैं, कम भी हैं, दूर दूर भी हैं, रिक्शे का किराया भी चाहिए, फिर सामान उठा के भी लेकर आओ, मसले मसाइल हैं। म्यारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे? हैं यूटिलिटी स्टोर में म्यारी चीज़ें मिलती हैं? मैंने तो इतना यूटिलिटी से कभी लिया नहीं है सामान, मैं ज़्यादातर जनरल स्टोर से ही नज़दीक जो घर के पास होते हैं वहीं से लेती हूँ, वो आसानी रहती है हमें। का यूटिलिटी स्टोर में सस्ता कर दिया है, बड़ा आवामी पैकेज निकाला है वहाँ पे, तो उससे आप गए, आप लोगों को फ़ायदा वादा हुआ वहाँ पे? हम अभी तक तो गए नहीं है, बट ये कभी ऐसा हुआ है, होता कुछ है और नज़र कुछ आता है, और फिर मतलब ये कि सामने कुछ होता है पीछे कुछ होता है, जब जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से हो रहा है। हम अभी काफ़ी यूटिलिटी स्टोर घूम के आए, वहाँ तो सन्नाटा पड़ा हुआ, कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि आवाम को पता है ना कि सब ये ड्रामेबाजी है कि सामने कुछ है पीछे कुछ है, अब जाएंगे अभी इमरान खान निकल के चले जाएंगे फिर वही वापस वही रेट लगा देंगे, उनका क्या है? तो अब आवाम तो आदी हो गए ना, तो वो महंगा लेने में ज़्यादा बेहतरी समझते हैं कि चलो यहाँ से इजीली मिल जाएगा, वहाँ तो शॉर्टेज होती है चीज़ों की, जब जाएँ आप तो कभी चीनी नहीं है कभी कुछ नहीं है, आप तो पता ही है सुनने में आ रही है सब चीज़ें। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, पहले भी नहीं मिलती थी और अब भी नहीं, शायद कुछ मिलेंगे, सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हैं, इसका कोई
प्रैक्टिकली तो कोई भी चीज़ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, सिर्फ जबानी किताबों में कागज़ों में ही हुआ है जो कुछ हुआ है। तो आपने यूटिलिटी स्टोर देखा है अपने कुछ अरसे में, कहीं नज़र आया कोई यूटिलिटी स्टोर? नहीं नहीं, अभी तो इस एरिया में कहीं भी नहीं है यूटिलिटी स्टोर, है कहीं उधर गुलबर्ग की साइड पर है, इधर तो कहीं भी नहीं है, करीब में इतने बड़े एरिया में कहीं भी नहीं है, जो मेन एरिया है वहाँ पर तो कहीं भी नहीं है यूटिलिटी स्टोर। रिलीफ ढूंढते हुए बंदा कहाँ जाए? वल्ला आलम, या तो कब्र तक ले जाएंगे जैसे कह रहे हैं, सुकून मिलेगा उधर ही। अच्छा, तो बस उधर ही सुकून मिलेगा। तो ये कैसे निकलेगी, क्रेन के साथ? बस वो कोशिश करेंगे ना, ये एक्सकैवेटर के साथ कोशिश करेंगे, अगर निकल गए तो ठीक है, वरना फिर सर इनके बंदे बच गए? बचे, बंदे बच गए, बचे। ये लोगों को हम बता रहे कि खुदा के वास्ते ये जो बंदे खड़े हैं वो जब गाड़ी ऊपर से आती है तो ये फिसल जाते हैं। हाँ जी, आप रोड छोड़ ले खुदा के लिए, ये चेंज डाले, लेकिन ये नहीं मानते, ये चेंज नहीं है, तो मसला तो ये बन रहा है। अच्छा, चेंज नहीं इसको डाला हुआ? नहीं डाला है ना, मसला तो ये है। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ सारे। ओ ओ ओ तेरी क्या, बचत हो गई है, बचत हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, बचत हो गई है। जुल्म, हुकूमत ने दिया आवाम को रिलीफ पैकेज, लेकिन आवाम ने किया इसको बिल्कुल मुस्तरद, क्योंकि ना तो चीज़ों की क्वालिटी अच्छी और चीज़ों का फुकदान अलग। आवाम दोस्त की हुकूमत से यही है गुजारिश कि खुदारा इस रिलीफ पैकेज में चीज़ों को मुकम्मल किया जाए, ताकि आवाम उठा सकें इससे भरपूर फ़ायदा। इसी के साथ दें आवाम दोस्त को इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।